पिछले दिनों साहिबगंज में घटी घटनाओं के बाद माहौल को सामान्य करने के लिए शहर में सर्वधर्म सद्भावना रैली निकाली गई, जिसमें सभी धर्मों के गणमान्य लोगों के अलावा पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारी भी शामिल हुए। घर शांति समिति के द्वारा आज ये शांति जुलूस सौहार्द अमन समेत दमन की रैली निकाली गई। सभी सदस्यों द्वारा विभिन्न गली मोहल्लों में घूम घूम कर शांति बनाए रखने की अपील की गई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई का नारा लगाया गया। लोगों को एक ट्रस्ट डेफिसिट बनता जा रहा था, उसको भरने के लिए, लोगों में विश्वास जगाने के लिए रैली की गई है। और सभी भाई बहनों से अपील किया गया है कि शांति बनाए रखें और अपने अपने जो भी काम काज है उसमें पुनः लौटें, साहिबगंज शहर को उसी लाइन पे वापस लाएं। शांति समिति के सभी सदस्यों को तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही पुनः एक बार फिर शहरवासियों से अपील करता हूं कि अपने अपने काम पे लौटें, कोई शांतिपूर्ण व्यवस्था में रहें, किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं दें। कोई अफवाह अगर आपको मिलती भी कोई मैसेज मिलता है, शासन को तुरंत सूचना दें। हम पूरी जगह पे फोर्स डिप्लॉयड है और आगे भी इस शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कृतज्ञ है। थैंक यू। आज साहिबगंज जिला के प्रबुद्ध नागरिकों और अमन पसंद नागरिकों के सहयोग से प्रशासन ने शांति मार्च निकाला और इसमें सभी लोगों ने अन्य नागरिकों से अपील की है कि शांति व्यवस्था कायम करें। हम सभी शांति पसंद लोग हैं और मैं यह कामना करता हूं कि इस अपील का निश्चित रूप से लाभ होगा और हम सभी लोग अमन चैन से इस शहर में रह पाएंगे। मैं सभी की शांति व्यवस्था के लिए शुभकामना देता हूं। सर, अभी तक किस तरह की कार्रवाई हो पाएगी जिससे कि जो शांति का है, जो उन्होंने कोशिश की थी भड़काने की, अशांति पैदा करने की? सर, हम लोगों ने त्वरित रूप से कार्रवाई की और तुरंत ही उस पर नियंत्रण पाया है और ये नियंत्रण कायम है। दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि एक व्यक्ति ने एक धर्म स्थल पर क्षति पहुँचाई, जिसके कारण पूरा इस पर कुछ हवा मिली, लेकिन पुनः प्रशासन ने शक्ति बरतते हुए उस पर काबू पाया है और अभी स्थिति नियंत्रण में है और हम सतत सभी जगहों पर बलों की प्रतिनियुक्ति, पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति किए हैं तथा 9 गश्ती दल पूरे शहरी क्षेत्र में अभी भ्रमणशील है। जो स्टैटिक है वो अलग से है और हम सभी जगह आप लोगों से सहयोग चाहते हैं ताकि शहर में शांति व्यवस्था रहे। प्राथमिकियाँ दर्ज की गई है, उन्हें चिन्हित करके उस पर कार्रवाई की जा रही है।